हेलो एवरीवन प्रबंध के सिद्धांतों वाला चैप्टर रिवाइज़ करते हैं फटाफट सबसे पहले प्रबंध के सिद्धांत की, की परिभाषा क्या है प्रबंध के सिद्धांत निर्णय लेने और व्यवहार के लिए दो चीज़ों के लिए किन किन के लिए निर्णय लेने के लिए और व्यवहार के लिए व्यापक और सामान्य मार्गदर्शक हैं बेटे व्यापक का मतलब क्या होता है बहुत लंबे दायरे तक बहुत बड़े दायरे तक फैले हुए हैं बहुत ज़्यादा जगहों पर इनका प्रयोग किया जा सकता है सामान्य का मतलब सामान्य परिस्थितियों में भी हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं दे आर जनरल गाइडलाइंस ये कोई ठोस वो नहीं है रिजल्ट नहीं है जनरल गाइडलाइंस हैं सामान्य मार्गदर्शक सिद्धांत हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपने फैसलों को कुछ अच्छा कर सकते हैं तो प्रबंध के सिद्धांत निर्णय लेने और व्यवहार के लिए व्यापक और सामान्य मार्गदर्शक हैं जरूर इस परिभाषा को याद रखें अब प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति या इसकी विशेषताएं बोलते हैं बहुत बार क्वेश्चन आता है प्रबंध की प्रकृति पूछ रहा है कि प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति पूछ रहा है हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो क्वेश्चन को ज़रूर हमेशा ध्यान से पढ़ें तो प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति में क्या क्या आता है इसको विशेषताएँ भी बोलते हैं हम सबसे पहला पॉइंट कि प्रबंध के सिद्धांत जो होते हैं वो सर्वप्रयुक्त होते हैं जब भी हम कहें सर्वव्यापी या सर्वप्रयुक्त हमारा आंसर हमेशा क्या होगा हर तरह के संगठन में और संगठन के प्रत्येक स्तर पर सेकंड पॉइंट सामान्य मार्गदर्शन सामान्य मार्गदर्शन क्यों क्योंकि कोई ठोस परिणाम नहीं होते हम क्या एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं कि प्रबंध के सिद्धांत कोई ठोस परिणाम नहीं होते केवल सामान्य मार्गदर्शन होते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम कुछ विशेष निर्णयों तक पहुंच सकते हैं दो विशेषताएँ है, सर्वप्रयुक्त सामान्य मार्गदर्शन थर्ड व्यवहार और शोध द्वारा निर्मित क्या लिखेंगे है? हम इसका एक्सप्लेनेशन कि जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं उनका निर्माण कैसे कैसे होता है अनुभव या अवलोकन के आधार पर और परीक्षण या एक्सपेरिमेंट के आधार पर तो व्यवहार और शोध के द्वारा इन्हें निर्मित किया जाता है इन्हें बनाया जाता है अनुभव और परीक्षण या अवलोकन विधि और परीक्षण विधि इसके आधार पर इनका निर्माण किया जाता है अगर अवलोकन विधि की बात करें ऑब्जर्वेशन की बात करें तो हमने देखा कि अगर लोग अनुशासन में रहते हैं तो अच्छे नतीजे आते हैं तो अवलोकन विधि के आधार पर हमने अनुशासन का सिद्धांत बना दिया परीक्षण विधि के लिए हम थकान अध्ययन एफ डब्ल्यू टेलर की जो तकनीकें हैं एफ डब्ल्यू टेलर के जो कुछ सिद्धांत हैं वो आमतौर पर, पर परीक्षण विधि के माध्यम से बनाए गए हैं तो तीन पॉइंट्स अभी तक हमने पढ़े प्रबंध के सिद्धांतों के सर्वप्रयुक्त हैं सामान्य मार्गदर्शन है और व्यवहार और शोध द्वारा निर्मित हैं चौथा पॉइंट है, है प्रबंध के सिद्धांत लोचपूर्ण है कोई भी चीज लोचपूर्ण का मतलब उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है पांचवा मुख्यतः व्यवहारिक किसी भी चीज को हम व्यवहारिक बोलते हैं इसका मतलब होता है इसका उद्देश्य मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करना होता है यानी कि मनुष्य को प्रभावित व्यवहार को प्रभावित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है पांच अभी तक हमने पढ़े सिक्स पॉइंट कारण और परिणाम के मध्य संबंध स्पष्ट करते हैं ये सिद्धांत कारण और परिणाम के बीच में संबंध स्थापित करते हैं ये बताते हैं कि सिद्धांत का प्रयोग करने पर क्या परिणाम निकलता है क्या नतीजे होते हैं सेवन्थ पॉइंट अनिश्चित होते हैं कारण और परिणाम से संबंधित वाले पॉइंट से ही रिलेटेड है परिणाम क्या होगा या कुछ परिणाम होगा ये तो हमें पता होता है लेकिन शत प्रतिशत वही परिणाम निकलेगा ये हम नहीं कह सकते हैं तो कारण परिणाम के मध्य संबंध तो बताते हैं लेकिन जो भी रिजल्ट आएंगे वो परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं तो समराइज करेंगे प्रबंध के सिद्धांतों की विशेषताएं कितनी है? हैं सेवन पॉइंट्स हैं सात विशेषताएं हैं कौन कौन सी विशेषताएं हमने पढ़ी हैं जल्दी से अपने नोटबुक में लिखें सर्वप्रयुक्त हैं सामान्य मार्गदर्शन है, है व्यवहार और शोध पर आधारित लोचपूर्ण व्यवहारिक कारण और परिणाम में संबंध और अनिश्चित याद कर लें इसको नेक्स्ट पॉइंट प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व लेकिन ये पढ़ने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी वीडियो को पॉज करके देखो प्रबंध के सिद्धांतों की विशेषताएं आपको कितनी याद हुई हैं कौन कौन से पॉइंट्स याद हो गए हैं व्यवहारिक हैं सामान्य मार्गदर्शन है आदि आदि जो पॉइंट्स हैं देखो कितने पॉइंट्स आपको याद हुए हैं पहले फिर महत्व वाले पॉइंट पर आना चलिए फर्स्ट पॉइंट प्रबंध के सिद्धांतों को अगर हम पढ़ते हैं तो क्या फायदा होता है पहले प्रबंधकों को फायदा होता है उन्हें वास्तविकता का सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त होता है रियलिटी के बारे में पता चलता है उसकी डीप नॉलेज उन्हें मिलती है अब जब प्रबंध के सिद्धांतों को पढ़ते हैं तो उससे उनकी ज्ञान योग्यता और समझ में वृद्धि होती है और जब उनकी ज्ञान योग्यता और समझ बढ़ती है तो उससे उनकी क्षमता भी बढ़ती है दूसरा फायदा या दूसरा महत्व संसाधनों का अधिकतम उपयोग और प्रभावी प्रशासन अगर हम प्रबंध के सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं तो हमें कारण और परिणाम की समझ आती है समझ आने से हम पहले से पहले अंदाजा लगा सकते हैं पूर्वानुमान लगा सकते हैं क्या होने वाला है या क्या होगा उसका क्या परिणाम निकलेगा और ऐसा करके हम गलतियों से बच सकते हैं अगर हम गलतियों से बचते हैं तो हम संसाधनों का कुशलतम प्रयोग करते हैं और प्रभावी प्रशासन क्यों होता है क्योंकि अगर हम प्रबंध के सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं तो हम काम को, को सही तरीके से बांट सकते हैं तो दो फायदे दो महत्व प्रबंध के सिद्धांतों के कौन कौन से वास्तविकता का सूक्ष्म ज्ञान संसाधनों का कुशलता उपयोग फिर वैज्ञानिक निर्णय कोई भी निर्णय वैज्ञानिक कब कहलाता है जब यह तर्कों पर आधारित होता है तो प्रबंध के सिद्धांत वैज्ञानिक निर्णय प्रदान करते हैं क्यों क्योंकि यह तर्कों पर आधारित होते हैं कारण और परिणाम पर आधारित होते हैं और पक्षपात से मुक्त होते हैं पक्षपात से मुक्त होने का मतलब है कि कोई निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि वो मुझे पसंद है तो वो पक्षपात से परिपूर्ण है पक्षपात से भरा हुआ है चौथा पॉइंट बदलती आवश्यकताओं को पूरा करना प्रबंध के सिद्धांत जो हैं जो चेंजेस आ रहे हैं व्यावसायिक पर्यावरण में उनके हिसाब से हमें ढालने में या व्यावसायिक संगठन को अपने आप को ढालने में मदद करते हैं अगर हम उनका सही तरीके से प्रयोग करते हैं क्या क्या पॉइंट्स पहला वास्तविकता का सूक्ष्म ज्ञान दूसरा संसाधनों का कुशलतम प्रयोग तीसरा वैज्ञानिक निर्णय चौथा बदलती आवश्यकताओं को पूरा करना पांचवा सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने में सहायक ये जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं जो संगठन सिद्धांत इन सिद्धांतों का पालन करते हैं वो अपने आप ही सामाजिक दायित्व को भी पूरा करते हैं कैसे फॉर एग्जाम्पल एक सिद्धांत होता है समता का सिद्धांत इक्विटी तो समता का सिद्धांत यह कहता है कि जाति धर्म लिंग राष्ट्रीयता और भाषा के आधार पर कर्मचारियों में अंतर्भेद नहीं किया जाना चाहिए तो अगर कोई व्यवसायिक संगठन इस सिद्धांत का पालन करता है तो वो अपने आप ही सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह कर रहा है छठा पॉइंट है लेकिन उससे पहले फटाफट पांचों पॉइंट्स दोबारा देख लें एक बार पहला वास्तविकता का सूक्ष्म ज्ञान दूसरा संसाधनों का कुशलतम प्रयोग तीसरा वैज्ञानिक निर्णय चौथा बदलती आवश्यकताओं को पूरा करना पांचवा सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करना और छठा प्रशिक्षण शिक्षा और अनुसंधान में सहायक प्रशिक्षण के लिए मैनेजर्स के लिए प्रबंध के सिद्धांत ज़रूरी हैं शिक्षा बीबीए और एमबी की डिग्री में क्या पढ़ाएं उसके लिए प्रबंध के सिद्धांत ज़रूरी हैं अनुसंधान रिसर्च करने में कोई नई तकनीकें बनानी है पीएचडी करनी है तो वहाँ पर हमें प्रबंध के सिद्धांतों का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो अभी हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा प्रबंध के सिद्धांतों का क्या मतलब है क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं और क्या क्या उसका महत्व है ये विशेष ये वाली वीडियो देखना आपका तभी सफल है अगर आपको प्रबंध के सिद्धांतों की विशेषताएं और महत्व दोनों पॉइंट्स याद हो जाएं इसके बाद में अगली वीडियो में हम हेनरी फ्यूल के सारे सिद्धांतों को डिस्कस करेंगे बेटा यहाँ पर इसको फटाफट रिवाइज करो वीडियो को पॉज करो देखो कितने पॉइंट्स प्रबंध के सिद्धांतों के महत्व के आपको याद आते हैं थैंक यू अगली वीडियो में चलते हैं